कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका जो पैसा है वो आपके देश की ही किसी चीज में इन्वेस्ट हो रहा है। yes. और ये जो फीलिंग्स है ना, आपको एक देशभक्ति वाली भावना आपके अंदर जाएगा। तो गाड़ी जोन में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू इंडिया का सबसे सेफेस्ट कार, वो है टाटा पंच, जो आप सभी को पसंद है। प्लस इसमें बहुत सारा फीचर्स भर भर के डाला है टाटा ने। अगर आप उसका बेस वेरियंट भी लेते हैं उसमें भी आपको बहुत सारा फीचर्स मिलता है। क्या आप देख रहे हैं टॉप से एक नीचे वेरिएंट, तो इसमें आपको बहुत सारा फीचर्स देखने मिलता है, लेकिन वो सब का एक वीडियो मैं पर्टिकुलर बनाया हूँ। आपको आई बटन है ऊपर में मिलेगा, उसमें आप क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स। तो हमारे साथ है अंकित भैया जो इस गाड़ी के ओनर है, वो क्या क्या फेस किए हैं प्रॉब्लम, प्लस गाड़ी चलाने में कितना मज़ा है। 10,000 किलोमीटर चला लिए, एक बहुत ज़्यादा किलोमीटर होता है 10,000। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आप बुलाते हैं अंकित भैया को। कैसे अंकित भैया, आप फिर से मिलते हैं आपसे, बहुत अच्छा लगा। तो अंकित भैया मुझे बताइए कि गाड़ी आपका कितना दिन हो गया लेके? गाड़ी को मैंने खरीदा था धनतेरस के दिन 2 नवंबर को। ओके, आज गाड़ी को ऑलमोस्ट 4.5 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 महीने हो गए, लेकिन मैंने मतलब 4.5 महीने में 10,000 किलोमीटर चला लिया है। आपका रनिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, रनिंग बहुत ज्यादा है मेरी। और इसको मैंने ऐसा नहीं है कि 10,000 किलोमीटर बहुत नॉर्मल से रोड में चलाया है, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 से 4,000 किलोमीटर मैंने ऑफ रोडिंग ड्राइव की है। और गाड़ी की रिव्यू मतलब रेटिंग जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं गाड़ी की रिव्यू दे रहा हूँ। तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, आप लोग आराम से मतलब कोई भी ले सकते हैं। और मुझे जब गाड़ी लेनी होती थी ना, तो मैं ना सबसे पहले सर्च करता था कि नेक्सन रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर, आफ्टर 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, आफ्टर 5,000 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी की एक्चुअल रिव्यू तभी आती है ना जब आप 10,000-15,000 किलोमीटर चला लोगे उसको। तो मैंने इसको 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है और अब मुझे पता चल रहा है कि इस गाड़ी में कितना बढ़िया बढ़िया फीचर्स है। और गाड़ी मजबूती के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और टाटा ने जो इस बार अपना चेंजेस करके टाटा पंच में जो लाया है वो तो वो बहुत ही बढ़िया करके दिया है। अंकित भैया और एक चीज बताइए, जब इसको आप सर्विस सेंटर लेके गए तो आप में कोई मेजर कुछ खर्चा बैठा कि क्या हुआ था सर्विसिंग में कुछ? मैंने अभी तक 2 सर्विसिंग करा ली है इसकी। एक सर्विसिंग थी 2,000 किलोमीटर के बाद। ओके, और दूसरी सर्विसिंग थी 7,000 से 8,000 किलोमीटर पे, 6,000 से 7,000। नहीं, 10,000 का होता है ना सर्विसिंग? नहीं, 6,000 से 7,000 किलोमीटर ओके, ओके। दूसरी सर्विसिंग थी, ठीक है। तो दूसरी सर्विसिंग और पहली सर्विसिंग में मेरी 0 कॉस्टिंग आई है, 1 रुपए भी मेरे 1 रुपए देने नहीं पड़ा। और तीसरी सर्विसिंग जो होगी ना इसकी, वो 15,000 किलोमीटर पे होगी, उसमें मुझे मोबिल पल्टी कराने होंगे और उसमें थोड़ी कॉस्टिंग आएगी, तो वो जेन्युइन खर्च होगी। जैसे आप लोग मारुति में कराते हैं तो 10,000 किलोमीटर में मोबिल चेंज होती है, इसमें 15,000 किलोमीटर में करवाना है। ओके अंकित भैया, और एक चीज बताइए कि अभी तक आप इस सर्विस सेंटर लेके गए कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, अभी तक 0 कॉस्टिंग है मेरी। मेंटेनेंस में अगर आप पूछोगे कि अभी तक सर्विसिंग में क्या कॉस्टिंग आई है, तो बिल्कुल नहीं, 1 रुपए नहीं लिए मुझसे। हाँ, बस वो सर्विस के बाद जो आप धुलवाते हो एक्स्ट्रा, उसमें कुछ देना है तो आप दे सकते हो। तो कोई मेजर पार्ट्स वार्ट्स कुछ चेंजेस हुआ जो चेंज हुआ लेकिन आपको पैसा देना नहीं पड़ा, ऐसा कुछ? एक मुझसे एक ट्रे है पीछे वाली, जो ये डिक्की वाली जो ट्रे होती है उसकी एक क्लिप थी छोटी सी, वो बस थोड़ी सी निकल गई थी, उसको मैंने सेट करा लिया, तो वो अच्छा, पैसे भी नहीं लगे। अच्छा, वो छोटा सा क्लिप है। और ऐसे इंजन विंजन में कुछ? इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी जैसी मतलब नई में चल रही थी वैसी ही अभी चल रही है। अभी थोड़ा चाल भी खुल गया होगा 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, अच्छी हो गई है। अभी पहले जब मैं चलता था मार्केट में तो कम माइलेज देती है, लेकिन हाईवे पे बहुत बढ़िया माइलेज देती है। हाईवे पे मैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 26 तक की माइलेज निकाला हूँ। सही बात, क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया था। हाँ, स्पीड, आपको स्पीड पे विशेष तौर पे ध्यान देना है जब भी आपको माइलेज निकालनी है। तो अगर आप 100 से ऊपर चले जाओगे तो माइलेज नहीं देगी। आप 70 से 80 तक में रहोगे ना हाईवे पे, आपको मैं बता रहा हूँ 25 से 26 तक माइलेज आराम से देगी। आप क्रूज ऑन कर दो अपनी। और एक चीज बताइए मेरे को अंकित भैया, 10,000 किलोमीटर चला लिए, 10,000 चलने के बाद केबिन में, गाड़ी के अंदर में जो केबिन है, तो उसमें क्या क्या कोई नॉइज वॉइस आया, इरिटेट कर रहा है कुछ, गड्ढा वड्ढा? सर्विसिंग के बाद हल्की फुल्की आई थी, लेकिन जब मैंने सर्विसिंग में दिया था तो वो सब सेट कर दिया था उन्होंने। और मैं जितनी रफ ड्राइव करता हूँ ना, मतलब रफ इन द सेंस की जो ऑफ रोडिंग मैंने की है, उस हिसाब से जो आवाज आनी थी वो मतलब जाहिर सी ये बात है कि आएगी यार थोड़ी बहुत आवाज।
ओके मतलब थोड़ा बहुत आवाज, मतलब टाटा के गाड़ी में ना क्या है कि आता है प्लास्टिक वास्टिक बजने लग जाता है। वो जो आवाज टाटा की गाड़ी में पहले आती थी ना इंजन से आती थी, फिर मतलब बहुत ज्यादा नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस बहुत होता था जब आप गाड़ी चलाओगे तो वैसा फील होता था, बट अब नहीं आती है यार। 10,000 किलोमीटर मैंने चलाया ना, 10,000 किलोमीटर के बाद भी स्टिल आई फील कि मैं न्यू कार चला रहा हूँ। वो तो 10,000 किलोमीटर ज्यादा अमाउंट भी नहीं होता चलने का, लेकिन तब भी नहीं होता है, बट डिपेंड करता है ना कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। ओके अगर आप नॉर्मल रोड पे ड्राइव करके 10,000 किलोमीटर चला रहे हो तो कुछ नहीं होगा गाड़ी में, लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग कर लियो उसमें 4,000 से 5,000 किलोमीटर तो मैटर करता है। तो फिर इसका 189 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो नीचे से कुछ लगने वगने का आप जैसे ऑफ रोडिंग करते? आज तक नहीं लगी है। आज तक नहीं लगी है। कहीं फंस उस जाना गाड़ी में, पावर कम है कुछ? कभी नहीं। पावर को लेकर के हल्का सा फील होगा जब आप हाईवे पे चलोगे और ओवरटेक करने की कोशिश करोगे। हाँ भैया, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 1200cc का इंजन, प्लस ये आपका प्रोड्यूस करता है 84 bhp और 114 Nm ऑफ टॉर्क, तो थोड़ा पावर लैक करता ही है। 3-सिलेंडर इंजन है आपको मिलता है, पेट्रोल में आता है, डीजल में तो टाटा पंच आता नहीं है। और ऑटोमेटिक में भी आता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो गाड़ी जब आप चलाते हैं हाईवे में तो क्या होता है जब आप पिकअप देते हैं या ओवरटेक करते हैं तो थोड़ा करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे आपको फील होगी ऐसा, अदरवाइज आप ओवरटेक कर सकते हो। कितना स्पीड में चला लिया अभी तक? अभी तक मैंने इसको 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलाया है। और गाड़ी में सबसे बढ़िया बात यह है ना कि जैसे आप मारुति का कार चलाओगे तो 100 किलोमीटर के बाद ना हिलने लगती है, थोड़ा सा फील होगा कि कांप रही है, मतलब थोड़ा ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डर लगने लगेगा। 150 किलोमीटर तक चलाओगे ना, मतलब स्पीड में भी चलाओगे ना, आपको कुछ फील नहीं होगा बाहर का। ओके इसका बताए प्लस पॉइंट क्या चीज है? क्योंकि इसका ना बिल्ड क्वालिटी ठीक है। दूसरा बात क्या है ना कि आप अभी देखिए, अब दरवाजा खोल रहे तो आपको यहाँ से बोनेट दिखता है, तो बोनेट जो गाड़ी का दिखता है ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ड्राइवर को चलाने में कि हाँ यार मतलब हम चला रहे कुछ हैवी चीज। सही बात। प्लस बिल्ड क्वालिटी है, प्लस 5-star रेटिंग भी है, टाटा तो डाली थी अंदर में दिमाग के अंदर, 5-star रेटिंग है, जो करना करो। बिल्कुल। लेकिन तब भी आराम से चलाना चाहिए। और एक चीज मेरे को बताइए, हमने तो सर्विसिंग का बात कर रहे थे, जब आप सर्विस सेंटर गए तो कितना देर में आपको गाड़ी मिल गया? सर्विसिंग वही मैं बताने वाला था कि सर्विसिंग में आप जब जाओगे ना तो मैंने दोनों बार 10 बजे के आसपास मैंने गाड़ी दी थी और मुझे ना 2 से 2 बजे तक 3 बजे तक गाड़ी दे दिया उन लोगों ने, और सर्विस भी टाटा की अब बहुत बढ़िया हो गई है। तो उसका वहाँ का एम्बियंस कैसा था? बहुत बहुत ही अच्छी थी। आप वेट किए कि आप गाड़ी छोड़ के वापस आ गए? गाड़ी छोड़कर मैं वापस चला गया था। आपके पास ऑप्शन है, आप वेट कर सकते हो, बट वो लोग जो टाइम आपको बताएंगे ना उस टाइम से पहले ही दे देते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये मैं आप लोगों को लग रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही खुल के तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ना कि ये गाड़ी जिस रेट में आपको मिल रही है ना उस रेट में ये वैल्यू फॉर मनी है, और इससे बढ़िया गाड़ी इस रेट में कोई नहीं है। इसके अलावा ये आपको 9 lakhs में ये कार मिल जाएगी, अराउंड 9 lakhs से, और सारी एसेसरीज वगैरह लगाने के बाद। और फिर इसके ऊपर आप जाओगे तो 1.5 lakhs एक्स्ट्रा लगेंगे टॉप मॉडल के लिए, और उसमें जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होंगे वो आपका डुअल टोन होगा और कार में आपका ऑटोमेटिक एसी होगी, फोल्डेबल लुकिंग ग्लास हो जाएगा और प्रोजेक्टर लैंप हो जाएगा, तो ये सब चीज़ रहेगा। तो मेरे को बताइए अंकित भैया, आपके पास तो 10 lakh rupees बजट था तो आप एक SUV भी ले सकते थे, जैसे ब्रेजा हो गया, अर्बन क्रूजर हो गया, एको स्पोर्ट्स तब तक था, फोर्ट था तब तक, आप और भी बहुत सारा गाड़ी था, नेक्सॉन भी था एक SUV है, फिर बलेरो था, बलेरो तो अलग सेगमेंट की है, तो ये सब SUV आप ले सकते थे, वेन्यू, फिर सोनेट, तो आप इस पे क्यों गए? 2-3 पॉइंट से, एक तो 10 lakh बिलो 10 lakhs में जो आपको फीचर्स इसके अंदर मिल रहे हैं ब्रिजा में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ब्रिजा में आपको डिस्प्ले तक नहीं देते हैं वो लोग। उसके बाद फिर उसमें आपको ब्रिजा में VXI मिलता है, अप्रोक्स 10 lakh rupees वो ले लेती है VXI की, और 10 lakh rupees में जो फीचर्स वो नहीं दे रही है वो 9 lakhs के अराउंड में आपको इसमें मिल जाएगी, लाइक कि उसमें वीडियो स्क्रीन टच वाली जो होती है ना टच स्क्रीन, हाँ, वो टच स्क्रीन नहीं, वो नहीं देती है, और इसमें आपको मिल जाएंगे। okay. उसके बाद इसमें एक पार्क असिस्ट करके आता है, वो इसके 7 inch के डिस्प्ले में आपको दिखेगा, वो ऑन कर दोगे ना तो आपके पीछे का कैमरा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लुकिंग ग्लास से देखने की जरूरत नहीं है, पीछे का ना कौन आ रहा है कौन पूरा, मतलब कैमरा चलता है, वर्किंग रहता है, पीछे का पूरा दिखता है, वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर ऐड किया है उसने।
और भी उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स जो ब्रीजा से कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, लाइक उसमें क्रूज कंट्रोल VXI में शायद नहीं है क्रूज कंट्रोल भी नहीं, इसमें आपको क्रूज सोनेट में भी नहीं मिलेगा, वेन्यू में भी नहीं मिलेगा, तो वो सब आपको बेस वेरिएंट बेस का एक ऊपर वेरिएंट आपको देखने मिलेगा अगर आप 10 लाख रुपए खर्चा करते हो। क्रूज कंट्रोल ना आज के रेट में मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको माइलेज बहुत ही अच्छी मिलती है। आप उसको ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100 के बाद क्रूज ऑन करो, क्योंकि उसके बाद अगर आप क्रूज ऑन करोगे ना तो ब्रेक लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है सामने से अचानक से कोई आ जाए तो। अच्छा और एक चीज मेरे को बताइए कि आप टाटा नेक्सॉन क्यों नहीं लिए, टाटा नेक्सॉन भी तो था अगर आप चाहते थे। टाटा नेक्सॉन जो है ना वो आपको 10,30,000 में ना आपको आएंगे XMS मॉडल उसके, और उसमें ना सिर्फ सनरूफ है, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। तो उसकी व्हील्स वगैरह भी देखोगे तो उसमें भी मतलब थोड़ा ये है, और मतलब नॉर्मल सा व्हील्स दिया है उसमें, और उसके अलावा कोई वैसा फीचर्स नहीं है जो आपको उसको लेने के लिए ये करेगा। अंकित भैया आप और बताइए मेरे को कि और क्या एक्सपीरियंस लिए इस गाड़ी को लेके, कुछ ओवरऑल। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप सेटिस्फेक्शन की बात करोगे तो अगर मैं तो आप सारी चीज़ों को कंपेयर करनी होंगी, लाइक कि आपकी कॉस्टिंग क्या है ये कार में, उस बेसिस पे आप जो कार है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। तो मैं ये ओवरऑल बता रहा हूँ कि ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है जिस रेट में जो ये कार दे रही है टाटा कंपनी, और वो मतलब बिल्ड क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी हर चीज, इंजन क्वालिटी, इंजन में भी अभी तक मुझे जरा सी भी आवाज नहीं आई, कुछ नहीं, बहुत तो अच्छा। 10,000 किलोमीटर में अगर आप बात करोगे तो जो मैं फील करता था नई गाड़ी में वही फील अभी भी कर रहा हूँ। तो ओवरऑल रिव्यू मेरी अगर लोगे तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस कार को लेकर के, और मैं हम सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी बजट इस रेंज में जा रही है तो आप बिल्कुल जाओ टाटा के साथ, क्योंकि टाटा में सबसे बड़ी बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका जो पैसा है वो आपके देश की ही किसी चीज में इन्वेस्ट हो रहा है। yes. और ये जो फीलिंग्स है ना आपको एक देशभक्ति वाली भावना आपके अंदर जगाएगी। तो मैं तो बोलूंगा भाई कि जाना है अगर लेनी है तो टाटा को प्रमोट करो, टाटा की कार खरीदो। तो टाटा वाले आप देख रहे हो तो प्लीज इनसे कांटेक्ट करिए, और बहुत बड़ा भक्त है आप लोगों का और बहुत ही खुश है, एक बहुत अच्छा एक सेटिस्फाई ओनर है और कस्टमर आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बात है। तो थैंक यू सो मच अंकित भैया, आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरे को देने के लिए और रिव्यू देने के लिए। तो ये था टाटा पंच का रिव्यू। और एक चीज़ अंकित भैया मेरे को एक चीज़ देखिए कि आपका सीट कवर बड़ी ज़बरदस्त है, इसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे, देख सकते हैं आप। और ये सीट कवर और एक यूट्यूबर का है, तो इसी तरह का सीट कवर आपको देखने मिलता है, और ये सीट कवर दिल्ली से आया है। कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप कौन सा शॉप होगा, कपलर करके है, उसके आगे नहीं बताएंगे। तो ये था, इसका रिव्यू भी अलग से लेके आएंगे अंकित भैया जब फ्री होंगे। तो ये था हमारा रिव्यू।